क्या ही चीज पिला दी यार, मैं ये वीडियो बंद कर दूं। जी किद्दां की हलचल दोस्तों, क्या आप ग्लेनलिविट और ग्लेनफिडिक को पी के बोर हो गए हो और एक नई सिंगल मोल ट्राई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको काफी बढ़िया लगने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक शानदार एक धमाकेदार सिंगल मॉल्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज हम रिव्यू करेंगे एबरलर 12 का। जी हां, सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है, इसको कैसे पीना चाहिए, कितने में ये आपको वाइन स्टोर्स पे मिल जाएगी और क्या ये बेटर ऑप्शन है ग्लेनलिविट और ग्लेनफिडिक से, क्योंकि ये भी एक 12 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट है। सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका जो पहला इंप्रेशन है ना मेरे माइंड पे काफी तगड़ा आया है। पहली लुक में बॉक्स देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, काफी रिच लुक दे रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी यूज की गई है, ये जो मटेरियल यूज किया है कंपनी ने टॉप नॉच है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई प्रीमियम सिंगल मॉल्ट को पकड़ा हुआ है और मैं उसको टेस्ट करने वाला हूं। बॉक्स देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बॉक्स है, जैसे कि आप देख रहे हो काफी हैवी बॉक्स है, लेकिन अंदर जो बॉटल है ये सिर्फ 700 ml की है, 700 मिलीलीटर की। जी हाँ, बॉटल थोड़ी सी छोटी होने वाली है। ऊपर जो लिड दी गई है ये भी काफी बढ़िया लग रही है। अभी चलिए इसको खोलते हैं, उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में शेयर कर देता हूं। तो एबरलर 12 को दो तरह के कास्क में मैच्योर किया जाता है, अमेरिकन ओक कास्क और शेरी कास्क, जिस वजह से इसका जो टेस्ट है काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना ये पन्नो रिको की लाइनअप से आता है। अब ये 12 साल वाला वेरिएंट है, इसके और भी काफी सारे वेरिएंट्स मार्केट में आते हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल। और ये जो कंपनी है ना, ये जो ब्रांड है एबरलर, ये अपने शेरी कास्क की उस शेरी टेस्ट की वजह से जानी जाती है। जी हाँ, तभी इन्होंने ये रेड कलर का रूबी सा काफी डार्क सा एक फील दिया है बॉक्स को, क्योंकि इसमें जो शेरी का टेस्ट आने वाला है ना वो काफी टॉप नॉच है। चलिए बॉटल को बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसके मैं प्राइसिंग और डिटेल्स के बारे में शेयर करूंगा। दोस्तों ये है शानदार दिखने वाली एबरलर 12 की बॉटल। यहाँ पे फ्रंट पे काफी बढ़िया सा एबरलर एम्बोस किया गया है, एक राउंडेड सी बॉटल है। जी हाँ, गोल शेप में है लेकिन काफी छोटी सी बॉटल है। इसकी लेबलिंग वगैरह भी मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगी। इसका जो कॉर्क है ये भी देखने में काफी तगड़ा लग रहा है, काफी मोटा लग रहा है। ये 700 ml की बॉटल है, 700 मिलीलीटर की बॉटल। और अगर इसके प्राइजिस की बात की जाए तो ये आपको पंजाब में 4000 से लेके 4500 की मिल जाएगी। अगर आप इसको चंडीगढ़ से खरीद रहे हो तो ये आपको 3500 से 4000 की मिल जाएगी। और अगर आप इसको गुरुग्राम गुड़गांव से ले रहे हो तो ये आपको 3200 से लेके 3600 की मिल जाएगी। प्राइसेस डिफर कर सकते हैं सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। अब दोस्तों ये जो प्राइसिंग है ना ये ग्लेनलिविट और ग्लेनफिडिक से प्रीमियम प्राइस है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो ये हमेशा एबरलर जो 600 से लेके 700 रुपीस महंगी रहती है ग्लेनफिडिक और ग्लेनलिविट से। ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी टेस्ट करके बताऊंगा कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्योंकि भाई ये काफी बढ़िया टेस्ट देती है। ये जो आप कलर देख रहे हो ना ये हल्का डार्किश हल्का रेड कलर आपको इसमें रूबी सा कलर दिखेगा जो कि शेरी कास्क से इसमें मिलता है। जी हाँ, इस वजह से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हो ये 100% नेचुरल नहीं है, इसमें हल्का सा कलर उन्होंने ऐड किया है, लेकिन फिर भी बाकी सिंगल मोल्ड से ये काफी ज्यादा डार्क लग रही है। चलिए अब मेरे से तो ज्यादा रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से अपनी बॉटल को ओपन करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि ये पीने में कैसी लगती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था इसका काफी बड़ा काफी तगड़ा सा कॉर्क कंपनी देती है। चलिए इसको ओपन करते हैं। वाओ, मजेदार। दोस्तों सच बताऊं जैसे ही मैंने इसको पोर किया ना एक मैंगो, जी हाँ एक मुझे आम की खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत ज्यादा डिलीशियस।
यहाँ पे मतलब मुझे नोजिंग प्रॉपर मिल रही है, बहुत बढ़िया एक डिलीशियस सिंगल मॉल्ट ये मुझे लग रही है। कलर देखने में थोड़ा सा डार्क साइड पे है, काफी प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए करते हैं इसकी नोजिंग। चीयर्स। वाओ, काफी टाइम के बाद मैं एक इतनी प्यारी सिंगल मॉल्ट को नोज कर रहा हूं। बहुत स्वीट एक डार्क फ्रूट्स का अरोमा इसमें से आ रहा है। बिल्कुल भी वो यंग फ्रूट्स नहीं मिल रहे, एप्पल पाइनएप्पल जी नहीं, वैसे फ्रूट्स नहीं, एक डार्क फ्रूट्स इसमें से मिल रहे हैं। हल्के हल्के आमों की खुशबू मुझे इसमें से आ रही है। हल्की हल्की स्पाइसीनेस आ रही है, ऐसी नोजिंग लग रही है कि मन कर रहा है कि मैं इसमें डूब जाऊं और बस इसको नोज ही करता रहूं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेलोड, 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वीट एक डेलिकेट नोज है इसका। मजा आ गया, प्यार हो गया इसकी नोजिंग के साथ। चलिए करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। ओ माय गॉड, बहुत रिच, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पहले सिप में ही बोल सकता हूं कि ग्लेनलिविट जो है ना वो इसकी टक्कर की नहीं है। जी भाई, इसका जो टेस्ट है ना भाई, क्या मजेदार टेस्ट है इसका। पहले स्पाइसीनेस आपके माउथ को कवर करेगी। हल्का हल्का जिंजर, ब्लैक पेपर, क्लोव, ऐसा टेस्ट मुझे आ रहा है। और सडनली फिर ये फ्रूट्स में चेंज हो जाता है। जी हाँ, वो डार्क फ्रूट्स, वो रिच फ्रूट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। हल्का हल्का टॉफी, हल्का हल्का चॉकलेट, भाई क्या ही चीज पिला दी यार, बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये एक ऐसी सिंगल मॉल्ट है ना जिसमें पानी डाल के आप उसका टेस्ट खराब कर दोगे। भाई नीट पीने के लिए बनी है ये, आराम से बैठे रहो, सिप सिप करके पीते रहो और इसके टेस्ट को एंजॉय करो। सिल्की स्मूथ है, बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ये वीडियो बंद कर दूं, बस ये धीरे धीरे इसको पीता ही रहूं। मुझे पीने में बहुत बढ़िया लगी है। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये 4000 से 4500 के बीच में मिल रही है ना, तो ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। आप इसको आंखें बंद करके ट्राई करो यार, पियो, आपको पीने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। किस किस को ये पीने में अच्छी लगती है या फिर किस किस ने इसको ट्राई किया है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।